भाजपा के द्वारा रविवार को बेड़ा स्थित भाजपा नेता विनय सिंह के आवासीय कार्यालय में रविवार को आपातकाल दिवस को काला दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर प्रबुद्ध नागरिकों को एवं जेपी आंदोलन से जुड़े लोगों को सम्मानित भी किया गया। ये कार्यक्रम पार्टी के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे की अध्यक्षता में की गई। जेपी आंदोलन के समय में सहयोगी के रूप में रहे लोगों को अंगवस्त्र और माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। सभी आंदोलनकारियों ने आपातकाल के समय को याद कर लोगों से उस कठिन दौर का जिक्र करते हुए भावुक भी हुए। इस बाबत जिला अध्यक्ष श्री दुबे ने बताया कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के इंदिरा गांधी ने निजी स्वार्थ के लिए आपातकालीन लगाई थी, जिसका बुरा असर पूरे देश में पड़ा। भाजपा नेता विनय सिंह ने बताया कि सेवा, सुशासन और गरीबी कल्याण प्रधानमंत्री के 9 साल के कार्यकाल रहा है। आज के कार्यक्रम में आपातकालीन स्थिति को याद करते हुए उसे काला दिवस के रूप में मनाया गया। उन्होंने कहा कि उस समय आपातकालीन लग जाने के बाद लोकनायक स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण ने पटना के गांधी मैदान में 1 लाख लोगों के साथ सिंहासन खाली करो जनता आ रही है का नारा दिया। इस मौके पर पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी, लक्ष्मण स्वर्णकार, जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, नुनलाल मरांडी, सुनील पासवान, प्रकाश सेठ, पूनम प्रकाश, शालिनी वैश्यख्यार, हरमिंदर सिंह बग्गा, अशोक उपाध्याय, अजय रंजन सिंह, विनय कुमार सिंह सहित भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। जी सर, जैसा आप सभी जान रहे हैं, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का 9 साल पूरे हुए और 9 साल पूरे होने की अवधि में 30 मई से 30 जून तक कई तरह का मेरा कार्यक्रम। इसी बीच में आज 25 जून को देश में आपातकाल लगा था। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपने निजी स्वार्थ के चलते लोकतंत्र की हत्या करके आपातकाल लगाए थे। इसी विषय पर आज भारतीय जनता पार्टी ने आपातकाल में किस तरह से अपने निजी स्वार्थ के चलते आपातकाल लगाया, उसको लोग भी याद दिला रहे हैं। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का जो 9 वर्ष का पूरा हुआ है, विशिष्ट जनों के साथ बैठकर आज सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के तहत वरिष्ठ जनों से मिलकर मोदी जी की उपलब्धियों को बताकर उनसे समर्थन मांगने का काम कर रहे हैं। आज गिरिडीह जिला के धनवार विधानसभा का जमदार में इसी तरह का कार्यक्रम हुआ। जमुआ विधानसभा के अंतर्गत मिर्जागंज में इस तरह का कार्यक्रम हुआ और गिरिडीह विधानसभा के अंतर्गत आज बोड़ो में इंजीनियर विनय कुमार सिंह जी के फार्म हाउस में भी इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है। हम जो 74 के आंदोलनकारी लोग हैं उनको हम सम्मानित कर रहे हैं, जो विशिष्ट जन हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको हम सम्मानित कर रहे हैं और मोदी जी की उपलब्धियों को बताकर उनसे हम समर्थन मांग रहे हैं। यही मेरा कार्यक्रम है।